हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, जिस चीज का हमें वेट था बेटा, वो नोटिफिकेशन आ गई है बेटे। एज वी नो कि कल रात को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी का फॉर्म के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है बेटा। मैंने आपके साथ इसी के लिए ही ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारा सीयूईटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। इसके थ्रू हमारे जितने भी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हमारा एडमिशन होता है। अभी हम बात कर रहे हैं अपना सीयूटी यूजी 2024 को लेके। इसमें हम जानते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अदर जो डीम यूनिवर्सिटीज है उनके थ्रू बेटा एडमिशन अब हमारा हो रहा है। नाउ देयर आर बट अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एंड कुछ न्यू चीज ऐड हुई है इस बार तो हमारी सीयूईटी के एग्जामिनेशन में कंडक्ट कराया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बार क्या बोली जा रही है, इस बार आपका जो पेपर है हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि अभी तक चल रहा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा एज वेल एज पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है। अगर हाइब्रिड मोड कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर बेस्ड जो टेस्ट है हमारा कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर एनटीए ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। मेरी जजमेंट कह रही है को तो लेके वो यही है, जितने हमारे रिमोट एरियाज हैं वहां पे हमारा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पे कहीं ना कहीं पेन पेपर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा बेटा। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, इसका फॉर्म जो है कल 27 फरवरी को निकल गया है, एंड ये आप जो इसका फॉर्म है 26 मार्च तक का भरने का टाइम है। इट मीन्स आपको भरने के लिए सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया गया। इट मीन इट इज ऑल्सो सेड दैट लास्ट डेट आपका जो फिलिंग फी का है जो है वो है 26 मार्च है 2024, एंड जो भी बेटा पेमेंट है पेमेंट हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू ही बेसिकली आपकी होगी। इवन वी से दैट कि आपका बेटा ये कुछ लिखा हुआ है, कोरेक्शन जो विंडो है, कोरेक्शन विंडो हमारी 28 मार्च और 29 मार्च के बीच में ही हमारी ओपन होएगी। एंड सिटी आपको कौन सी सिटी मिल रही है आपके एग्जामिनेशन के लिए, दैट विल बी बेटा 30 अप्रैल के ऑनवर्ड ही मिलेगा। इट मीन्स इट इज ऑल्सो सेड दैट कि आपका डाउनलोड, क्योंकि अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हैं वो बेटा सेकेंड वीक ऑफ मई में ही कहीं ना कहीं कर पाएंगे वो बेटा, इसलिए क्योंकि हमारे जो एग्जामिनेशन हैं 15 मई और 31 मई के बीच में ही कहीं ना कहीं दिया गया है। एंड इवन ये भी बताया गया है जो भी आंसर कीज होंगी वो हमारे वेबसाइट पे ही बताया लगेगा हमारे एग्जामिनेशन होने के बाद। इस बार जो हमारी वेबसाइट्स हैं उस वेबसाइट पे थोड़ा सा चेंज आया है। लास्ट ईयर हमारे सीयूटी स्मार्ट वेबसाइट थी, इस बार हमारी दो ही वेबसाइट हैं, एक तो एनटीए की वेबसाइट है और एग्जाम ntaac.in पब्लिक सीयूटी यूजी आपकी है। एंड ये भी बोला गया है कि रिजल्ट जो है अप्रोक्सीमेट 30th ऑफ जून तक आपका मिल जाएगा आपका सीयूटी के थ्रू। एंड इसमें हम ये भी बात बोल रहे हैं, इट मीन्स हमें ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो भी ये एग्जामिनेशन है यूजीसी का जो एग्जामिनेशन जो करवा रही है एनटीए के थ्रू, ये हमारी सब चीजें जल्दी होने वाली है। पिछली बार की तरह टाइम कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा बेटा। और कुछ पर्टिकुलर्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा हमारे लिए पर्टिकुलर्स ये हो गया, हमारे लिए बेटा ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके बारे में भी आपसे मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। वेबसाइट इज exam.nta.ac.in/cuetug। हम कहीं ना कि इसको रेफर करेंगे अपने सब चीजों के लिए। सीयूटी एग्जामिनेशन में बेटा 13 लैंग्वेजेस में कहीं ना कि एग्जामिनेशन दिया जाएगा। इसमें हमारे इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू कहीं ना कि लैंग्वेज बोली गई है। इवन वी कैन से हमारा इसी के अंदर कुछ और रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो भी ऐड की गई हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे एक बार। कमिंग ओवर हियर,
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट आवर लैंग्वेज, सेक्शन 2 टॉक अबाउट आवर डोमेन्स, एंड सेक्शन 3 टॉक अबाउट आवर जनरल टेस्ट। बट मैं जल्द ही एक और आपके साथ वीडियो के लिए आऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर पाऊंगा कि क्या इसकी बाइफर्गेशन है। अभी के लिए जो नोटिफिकेशन है आपको थोड़ा मैं उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। नो बेटा, सी ओवर हियर, यहाँ पे इस बार यूजीसी एनटीए ने कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया है। तो बेटा ये क्लैरिफाई किया है कि आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट हैं, वो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बेसिस के ऊपर एग्जामिनेशन आप कहीं ना कहीं दें, ठीक है। एज वेल एज जो लैंग्वेजेस हैं, फिर बात कर रहा था जो सेक्शन ए में लैंग्वेजेस आती हैं, लैटिन लैंग्वेज आएंगे और कुछ और लैंग्वेजेस आएंगी, जो कि बेसिकली आप ऑप्ट कर सकते हैं। उन सब का जो भी पेपर होगा, उन सब के पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड 40 क्वेश्चंस करने हैं। एज वेल एज इसको करने के लिए आपको बेटा 45 मिनट्स मिलेंगे। एज वेल एज जो जनरल टेस्ट का जो पेपर है, जनरल टेस्ट के पेपर में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको कहीं ना कहीं बेटा 50 क्वेश्चंस करने हैं। इस पर जो मेजर एक चेंज किया गया है, जो इम्पोर्टेंट है, वो बेटा ये वाला है। ये देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है हमारे लिए कि कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। लास्ट ईयर तक 10 तक हमें ऑप्शन दिए गए थे, बट इस बार आपको सिर्फ बोला गया मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। इट मीन्स वी कैन से दैट जनरल टेस्ट 1 सेक्शन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज 1 सेक्शन हो गया, तो रह गए 4। तो मीन्स एक बार स्टूडेंट एक मैक्सिमम 4 डोमेन्स कहीं ना कहीं ले सकता है। एज वेल एज इस बार ये देखिए एनटीए ने क्या बोला है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड दी जनरल टेस्ट। बेटा अगर हम बाइफर्केशन की बात करें हमारे सेकेंड सेक्शन की, जिसको हम डोमेन्स नाम से हम जानते हैं, बेटा डोमेन्स जो पेपर है आपके, डिफरेंट डिफरेंट जो आपने अपनी 12th क्लास में सब्जेक्ट्स लेते हुए चल रहे हैं अपनी डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, फिर उन सब का पेपर जो कंडक्ट किया जाता है वो सेक्शन 2 में किया जाता है, एंड दैट इज यू कैन से डोमेन्स। हर एक डोमेन का जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी लीजिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस लीजिए, मैथमेटिक्स लीजिए, अकाउंटेंसी लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, कंप्यूटर साइंस लीजिए, जो भी लेंगे, इन सब का पेपर बेटा अलग अलग पेपर कंडक्ट किया जाता है। दैट इज यू कैन से 1 पेपर 1 सब्जेक्ट। जो भी बेटा हमारे पेपर्स हैं, उन पेपर्स में आपका सिनेरियो वही है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 करने हैं, 45 मिनट्स मिलेंगे। अगर कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो बेटा हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट, इन सब के अंदर बेटा आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। ऑल्दो जनरल टेस्ट में हमारे पास क्या था, 60 क्वेश्चन मिलते हैं और हमें 50 कहना कि हमें कंडक्ट करने। और एनटी हमारा ये भी कह रहा है, जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे, हम मान के चल रहे हैं 2 से 3 शिफ्ट में बेसिकली कहना कहीं आपके साथ ये, ठीक है बेटा। जो बेटा जो भी हमारा एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, वो ऑनलाइन फॉर्म मोड होगा भरने का, जिसको बेटा मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपके साथ मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बताया मैंने आपको, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डेट एक आप चीजों को अपने आप अरेंज कर लीजिए, एंड जल्दी हम लोग अपनी बेटा वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ फॉर्म भर रहे होंगे, दैट विल बी गोइंग टू टू प्लेस। बेटा हमारे पास बोला गया है कैंडिडेट का एक ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि तो उनका ऑनलाइन फॉर्म कहना कि फिल करने में बहुत कहना कि हेल्पफुल करेगा। ईमेल आईडी में आपको ये वेबसाइट बता ही चुका हूँ, वेबसाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओ हियर, अब सर कौन से लैंग्वेजेस हैं, कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं बेटे, वो सब चीजें यहाँ दिया गया है। एज यू कैन सी ओ हियर, ये जो है ये हमारी लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, तमिल, उर्दू, तमिल, उर्दू, एंड बेटा ये कुछ और लैंग्वेजेस भी हमें दी गई हैं कि सेक्शन 1 के AB पार्ट में आती हैं, इस लाइक अरेबी, बोडो, चाइनीज, जर्मन एंड सो ऑन।
ये बेटा हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन टू में सब्जेक्ट आते हैं। तो कोड नंबर साथ दिया हुआ है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ग्राफिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजी। ऐसे करते करते आपके पास आपको ये 27 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको कहीं ना कहीं लेके चलने हैं। मेरी एडवाइस रहती है कम से कम बच्चा 3 के प्रैक्टिस करते हुए चले, क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या अच्छी यूनिवर्सिटीज लेके चल रहे हैं, तो अगर आपके वो डोमेन सब्जेक्ट मानते हैं तो कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट के आपसे स्कोर कहना के मांगते हैं, एज वेल एज जनरल टेस्ट। ठीक है, सी ओवर हियर आई विल शो यू वन मोर थिंग। बेटा ये तो हमारी सिटीज है जहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, एंड एनटीए के बेसिस के ऊपर एनटीए ये कह रही है कि मैं आपका जो भी हमारा टेस्ट है वो बेटा 323 54 इंडियन इंडिया में जो सिटीज है वहां कंडक्ट करा रहे हैं, एज वेल एज ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पेपर होता है। तो जो हमारे कुछ सीबीएसई एंड डिफरेंट बॉडीज के जो सेंटर्स हैं बाहर की कंट्रीज में वहां पेपर भी हो रहा है। तो मीन्स कुल मिला के 380 जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पेपर कंडक्ट होगा। बड़े इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें मैं आपको लेके आया हूँ, इसलिए बेटा आपको यहाँ तक मैं पॉइंट लेके आ रहा हूँ। कोई ये खासकर ये बोला गया है, द कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम 4 सिटीज एज ऑप्शन। कैंडिडेट 4 सिटीज का ऑप्शन ही कहना के ले सकता है। द डिसीजन टू रन सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन एंड पेपर टेस्ट एग्जामिनेशन इन दो सिटीज विल lies with NTA and will depend on multiple factors, जिसके बारे में NTA ने कुछ नहीं बताया। मेरी जजमेंट आपको बता चुका हूँ, मेरी जजमेंट ये कह रही है जो भी रिमोट एरियाज है वहाँ पे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट इतनी नहीं है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रबल है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये पेन एंड पेपर टेस्ट हो सकता है। बट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ये पेपर सारा का सारा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। ठीक है बच्चों, एज वेल एज अब बेटा मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो मैं आपका डिस्कस करने वाला हूँ। बेटा ये हमारे लिए आपकी वेबसाइट एक इम्पोर्टेंट रहेगी, तो इस वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं। आई विल टेल यू जो थिंग्स जिसके ऊपर हमें ध्यान रखते हुए चलना है। ये हमारी इस बार वेबसाइट है, सीयूटी समर्थ वेबसाइट नहीं है। जो भी बेटा हमें अपना नया लॉगिन करना है बेटा, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। मैंने बेटा क्लिक किया, बेटा जैसे ही क्लिक किया तो विंडो खुल के आ गई। जो भी न्यू कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक करेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। इस पॉइंट को बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पहले से अरेंज करके रखनी है, सो डेट इसी के बेसिस पे हम अपना फॉर्म फिल कर पाए। तो वो ये है सी ओ आर। जैसे बेटा हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिन पे हमें ध्यान रखते हुए चलना है। पहली बात तो जैसे बता चुके हैं कि ऑनलाइन ही सब चीजें कहीं ना कहीं करी जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी आपका जनरल कैटेगरी में आता है, अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, तो उनके लिए जो है आपका 1000 रुपीज का कहीं ना कहीं फॉर्म है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए, एंड एडिशनली आपका 400 ईच सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ता जाए। ओबीसी के लिए 900, एससी एसटी के लिए 800, एंड अकॉर्डिंग टू दैट 375 350 रुपीज कहीं ना कहीं ईच सब्जेक्ट ऐड करने के बढ़ते जाएंगे। और जो इंडिया से बाहर है उनके लिए 4500 रुपीज का है, प्लस 1800 रुपीज इंक्रीज होते हो जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कैसे भरना है विदिन एंड जल्दी हम लोग अपनी वीडियो लेके आ रहे होंगे एक और। बेटे इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट है जो पहले मैं चाहता हूँ आप अरेंज कर लीजिए। आपके बेटे रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, चाहे वो कलर्ड फॉर्म में हो चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में, मगर आप क्लियरली दिख रहे होने चाहिए। एंड जो भी बेटा हमारी स्कैंड फोटोकॉपी है, भी हमारी फोटो स्टेट जो भी हमें फोटो होगी, और सर आपको सिग्नेचर भी कहीं ना कहीं रखने हैं, दोनों चीजें आपके जेपीजी फॉर्मेट में ही चलेंगे। और दोनों का कितना आपका फोटो का साइज होना चाहिए, इट इज सेड दैट फोटो जो है 10 और 2200 KB के अंदर होनी चाहिए, एंड स्कैन जो सिग्नेचर आपके 4 और 30 के बीच में ही होने चाहिए। और जो भी बेटा हमारे सर्टिफिकेट्स होंगे, तो 10th का हो चाहे 12th का हो, और इवन यू कैन से हमारा जो कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट, डिफरेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे 50 KB और 300 KB के बीच में होने चाहिए, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए।
जो भी आप अपने यू कैन से फी भरेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू ही कहना ही भरेंगे, एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बोली गई हैं। जो भी आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपका 8 to 13 करेक्टर के बीच में ही लॉन्ग होना चाहिए। उसमें एक अपर केस भी होना चाहिए, एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर भी कहना कि आपका होना चाहिए। इवन वी कैन से दैट सर, इन्हीं सब चीजों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास एक फोन नंबर होगा, उस फोन नंबर पे आपके सब इंफॉर्मेशन आएंगी, एंड वो आपको नंबर एक ही रखना है, सो डेट आपका बार बार चीजें चेंज ना हो। एंड सेम गोज विद ईमेल आईडी ऑल्सो। बट जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग ने क्लिक किया तो हम लोग अपने हेयर टू प्रोसीड पे आ जाएंगे। जैसे ही बेटा हम यहाँ प्रोसीड पे आ रहे हैं, यू कैन सी ओवर हेयर सर, हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ओपन हो गई है। नाउ इम्पोर्टेंट वन सर, अगर मुझे लॉग इन करना है, मेरे पास इनमें से कुछ चीजें होनी जरूरी है, यहाँ तो अरेंज करिए। आधार कार्ड नंबर, आई हैव एन आधार कार्ड नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार कार्ड नंबर, एंड ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार कार्ड डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस एट वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो जी आधार कार्ड नहीं है, ढूंढ लो, नहीं तो बना लो, कुछ भी है। आप कहते होगा ये आधार कार्ड के चीजें नहीं होती, क्योंकि बेटा हमारा कहना है आधार कार्ड हमारे फोन नंबर से भी लिंक्ड है। वी हैव टू गेट फास्ट। यू हैव एन डिजी लॉकर अकाउंट, डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आप लॉग इन कर रहे हो। अगर आपके डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, आई विश टू क्रिएट, यहाँ पे बेटा होगा। आई हैव एन अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, उसके थ्रू होगा, नहीं है तो क्रिएट कर लो। आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू लॉग इन यूजिंग पासपोर्ट। आई हैव एन पैन कार्ड, विश टू क्रिएट लॉग इन यूजिंग पैन कार्ड। आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट लॉग इन यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट। तो बेटा इन्हीं के थ्रू ही हमारा कहीं ना कहीं बेटा हम इस पे कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अगर मैंने ये किया तो बेटा हमें आधार नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी जनरेट होगा, उसी के बेसिस पे सब चीजें क्रिएट हो पाएंगी। बट आज मैं अपनी वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ, पर मेक श्योर कि आप इन सब चीजों को अरेंज कर ले, तो डेट बेटा जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूं, इन्हीं सब चीजों के साथ हम लोग आगे बढ़े, तो फॉर्म फिल कर पाए। अब हाई टाइम आ गया है, तो अगर आपके 12th के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, फोकसली वहां पढ़िए। ऐसे ही बेटा आपके एग्जामिनेशन आपके खत्म हो जाएंगे बेटा, बिना एक दिन वेस्ट किए अपने बेटा सीयूटी के एग्जामिनेशन में लग जाना। जिनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, वेल एंड गुड, स्टार्ट पेपर इंगेट करोगे। हम आपके लिए काफी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, डिस्कशन, सब चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं बेटे। उसको आप कहना कि फोकस करते हुए चल सकते हैं। वीडियो में लिंक्स हैं, बायो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको जरूर देखना। इवन जो भी आपके सिलेबस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट, वो भी आपको हमारी वेबसाइट से कहना कहीं मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।